सब काम खुद कर रहे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर विश के पहले खुदा पूछे बोल बदले तेरी रजा क्या है। एग्जैक्टली ऐसा हुआ, हमने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा, ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ी कि ऊपर वाला ये कहे कि बोल, उन्होंने कह दिया कि ठीक है मांग ले जो मांग, इसलिए चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो मार्केटिंग हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो। बिकॉज फॉर्चुनेटली आई कम फ्रॉम फिल्म बैकग्राउंड, मेरे फादर जो है नंदन बोरा, उनका एक अच्छा एक सेटअप है डिस्ट्रीब्यूशन का, जरा हम पिक्चर पिछले 40 साल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोडक्शन पिछले ऑलमोस्ट 50-55 ईयर से कर रहे हैं। सो इट वॉज ईजी टू एंटर दिस फील्ड, बिकॉज फिल्म बनाना आसान है, रिलीज करना तो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट बिकॉज ऑफ दिस सेटअप हमने कहा व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट गो फॉर इट, यू नो लेट्स ट्राई दिस एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। एंड सो मच बहुत मतलब एक आपका नाम है ना टेलीविजन इंडस्ट्री में, बोल रहा नाम क्या कहते हैं, ये जो नाम है टेलीविजन इंडस्ट्री में ये आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, यू नो बीइंग लॉन्चिंग इन अ फिल्म, या फिर यू नो इट्स बिकम मोर चैलेंजिंग, क्योंकि लोग को लगता है कि एक टीवी स्टार है बीइंग बीइंग अ पार्ट ऑफ फिल्म, क्या कहते हैं आज के दौर में जो देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कम सारे जो टेलीविजन स्टार्स है, सुशांत सिंह राजपूत की बात करें उनके अलावा बहुत एस्टैब्लिश नहीं हो पाए फिल्म इंडस्ट्री में। सो स्टार से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कितने बड़े स्टार हो, चाहे वो फिल्म के बड़े स्टार हो या टीवी के बड़े स्टार हो, फिल्म अगर अच्छी नहीं है तो स्टारडम भी काम नहीं करता। बहुत सारे हमने पास्ट में भी देखे हैं, बिग बिग फिल्म स्टार ऑल्सो उनकी फिल्म नहीं चलती है बिकॉज द कंटेंट इज नॉट गुड, इफ इट्स नॉट अपीलेबल टू द ऑडियंस तो वो भी उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो हमने तो सिर्फ यही सोचा कि स्टार वाला छोटा साइड में एक अच्छी फिल्म बनाते हैं, एक डिसेंट सी फिल्म बनाते हैं जो ऑडियंस को अपील हो, जो मास जो हमारे यूथ को है उसको अपील करे, तो चाहे वो स्टोरी हो चाहे वो लुक हो चाहे वो लोकेशंस हो गाने हो परफॉर्मेंसेस हो, इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने एक फिल्म बनाई। अभी आपने कहा जैसा कि मतलब फिल्म बनाना तो मुश्किल काम है, रिलीज करना और भी मुश्किल काम है, तो अभी बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं बड़े स्टार्स आपने कहा कि नहीं चल पा रही हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं कितना बड़ा रिस्क फैक्टर हुआ एक फिल्म प्रोड्यूस करना, उसको अभी डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं आप? देखिए अगर रिस्क नहीं लेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, रिस्क लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तभी जाके आपकी ग्रोथ होती है। आप गिरते हो उठते हो फिर वापस आगे बढ़ते हो, गिरते हो उठते हो वापस आगे बढ़ते हो, यही एक जर्नी होती है। और इस जर्नी में इसने बतौर ओम ने मुझ पर बहुत बहुत सॉलिड साथ दिया, एंड वांट थैंक माय डैड शायरी। मैंने कोई ऐसा शेड्यूल किया हुआ लाइफ में 15 साल से शूटिंग कर रहा हूँ, जो मनाली वाला शेड्यूल था और जो बॉम्बे का शेड्यूल था, सबसे ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया शूटिंग को। और करण सर के एज एन एक्टर सबसे बड़ी यूएसपी क्या नजर आया आपको अभी तक, क्या ऐसी यूनिकनेस है क्या एक्टिंग स्किल्स में जो आपको प्रोवाइड किया? ही इज़ वेरी शार्प एज एन एक्टर, ही अंडरस्टैंड नुआंसेस सो वेल, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। समटाइम व्हाट हैपेंस यू आर एक्सप्लेनिंग एन एक्टर लाइक फॉर आवर ऑल्सो, एक एक घंटे तक भी आपने एक्सप्लेन किया है तो भी सर, बट यू जस्ट लुक एट हिम एंड से कि नो दिस वे। आप मुझे अभी बता दो केवी आई गो बेटर, बस ऐसा जैसे वो एक लाइन बोलते दूसरी लाइन मैं खत्म करता हूँ, या एक लाइन मैं बोलो ललित अगर ये ठीक है अंडरस्टूड है ना, तो एक वो केमिस्ट्री होनी बहुत जरूरी है। मुझे कोई मैं कोई डिमार्केशन नहीं रखता हूँ चाहे वो फिल्म हो वेब शो हो, नेटफ्लिक्स खरीद लो ना, अगर बस चले तो वो भी कर लेंगे आप, बिकॉज प्रोडक्शन तो घुस ही गए। रोल्स अच्छे होने चाहिए, रोल्स अच्छे हो चाहे टीवी में हो चाहे वेब शोज में हो चाहे मूवीज में हो, रोल्स मैटर टू।